स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय लवली लिटिल एटम्स। मैं हूं अनुभा गौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, एंड आई वेलकम यू टू आवर अमेजिंग सीरीज, दैट इज एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज आपको पता है पिछले साल से चलती आ रही है, वेयर वी आर डिस्कसिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। हर चैप्टर जब आप पढ़ते हो तो वो बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत बार आपको प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में, तो सोचो ये सीरीज के थ्रू वो भी हेल्प कर दी जाए ताकि हमारे स्टूडेंट्स एकदम प्रो हो जाए हर एक टॉपिक में। तो आज ये सेवेंथ वीडियो है, 5th to 7th वीडियो ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। आई होप अगर आपको ये है कि चैप्टर पहले पढ़ ले मैम तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो पिछले साल पूरा चैप्टर पढ़ाए, आपको वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगी, आपको टॉपिक वाइज सेशन वाइज वीडियो भी मिल जाएगी। आप अभी से ही अपनी पढ़ाई को मत रोको और पढ़ते रहो, बस सिंपल है। तो आज डिस्कस करेंगे पेज नंबर 92 के क्वेश्चन नंबर 8th, 9th, 10th विद योर एजी मैम। और कौन पढ़ाएगा केमिस्ट्री, मुझे ही पढ़ाने दो, ठीक है। एंड कीप लविंग by supporting in terms of hitting the like button, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। All right? और आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो क्या काम आता है, बहुत सारे लिंक होंगे वैसे तो, एक पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे सेशन का, एक टेलीग्राम का लिंक होगा वेदांतों के 9th, 10th ग्रुप का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डेली शेड्यूल अपडेट होता रहता है, एक प्रो क्लासेस का लिंक है कि आप वेदांतों के प्रो क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, विद एजी प्रो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट, सो डोंट फॉरगेट दैट। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें जो नील्स बोर और हेनरी मॉसले ने मिलकर बनाई है, हेनरी मॉसले ने लॉ दिया, नील्स बोर ने टेबल प्रिपेयर की, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स पे सारे एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, सोडियम। Configuration helps to decide the position of elements in the periodic table. मैं आसानी से बता पाऊंगी कि वो एलिमेंट कहाँ रखा है, कैसे, because period number के कौन से horizontal row में रखा है, that is the total number of shells that's there while writing the configuration. तो इसमें 1, 2, 3 shell में electron present है, तो मेरा sodium 3rd period से belong करता है। फिर आते हैं ग्रुप नंबर के कौन से वर्टिकल ग्रुप में, वर्टिकल कॉलम में मेरा एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर अप टू 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 to 2, दैट डिसाइड इट्स ग्रुप नंबर दैट इज सेम, तो ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा होते तो ग्रुप नंबर के कौन से वर्टिकल कॉलम का है वो ऐसे निकाल लेते 10+ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पता चला कॉन्फिग्रेशन हेल्प्स टू नो अबाउट द पोजीशन दैट फ्रॉम विच हॉरिजॉन्टल रो और कौन से वर्टिकल कॉलम से मेरा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। सो इजी टू प्रेडिक्ट दैट नाउ थैंक्स टू एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नाउ डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करोगे तो मैम की वो हैंडराइटिंग से बचने के लिए वो नोट्स भी प्रेफर कर सकते हो। Now let's see this question in the modern periodic table. Calcium is surrounded by these elements. Which of these have physical and chemical property resembling calcium? अच्छा, same property calcium की कौन सी होगी जो same group से belong करेंगे? Remember that same group का मतलब है same valence electron, और same valence electron, same electron in the last shell मतलब same type of a physical and chemical property. अब आप कैसे decide करोगे same group? तो बच्चा उसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम एक ग्रुप की बात करते हैं एलिमेंट को रखने का, तो उनका डिफरेंस क्या होता है एटॉमिक नंबर में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 पीरियड होते हैं इसके एलिमेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट से सेकंड में 2 का डिफरेंस होता है, 2 एलिमेंट बोलो या 2 एटॉमिक नंबर का, फिर 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18 और फिर 32, ऐसे डिफरेंस होता है। फर्स्ट सेकंड पीरियड में 2 एलिमेंट्स का, सेकंड थर्ड में 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। तो कैल्शियम में आप देखो कितने कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2882, मतलब 1, 2, 3, 4 यहां रखा है कैल्शियम। इससे पहले वाला कौन सा एलिमेंट होगा जिसमें 8 एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होगा, दैट इज 12 एटॉमिक नंबर, व्हिच इज माय मैग्नीशियम। क्यों? उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 2, 8, 2 configuration. 12 में 8 add करोगे तभी calcium आएगा, देखो 8 का difference हो गया। अब calcium में
जो कि 20 एटॉमिक नंबर है, हमें पता भी है, गिवन भी है, उसमें 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 38, तब जाके ये एलिमेंट आएगा। और ये कौन सा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, दैट इज स्ट्रॉन्शियम। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा होता, पहले होता बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, फिर मैग्नीशियम 12, 8 का डिफरेंस आ गया, मैग्नीशियम कैल्शियम, फिर 8 का डिफरेंस आ गया, फिर 18 का डिफरेंस आएगा, फिर 18, फिर 32। तो मैंने आपको वो ट्रिक भी बता दी। तो इसमें एटॉमिक नंबर 12 जस्ट कैल्शियम से पहले आता है। अगर मैं पोटाशियम की बात करूं तो वो कहाँ आएगा, कैल्शियम से जस्ट इधर लेफ्ट में, 19 एटॉमिक नंबर, उसके बाद 20 विच इज माई कैल्शियम, उसके बाद 21 जो कैल्शियम के इधर आएगा, दैट इज स्कैंडियम, और उसकी प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होगी, सेम होगी जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो 21 के बाद है 38 जो उसके बिल्कुल नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूँ स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, एक अलग कलर से कर लेते हैं, मैग्नीशियम जिसका अटोमिक नंबर 12 है, 38 पे मेरा स्ट्रॉन्शियम है, ये दोनों सेम ग्रुप से सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, सेम प्रॉपर्टी, इसके लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, उनसे प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी क्योंकि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल शो सेम प्रॉपर्टी। सिंपल, गॉट इट, रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से तो और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ये वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में, मोर ऑफ लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडली पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर मैं इधर लिखूं मेंडलीव्स टेबल, ठीक है, इधर लिखूं मॉडर्न टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है, क्या कंट्रास्ट हम उसमें देख सकते हैं। सबसे पहली बात, मेंडलीव की टेबल हम एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करते हैं, विच इज नॉट अ ग्रेट वन, क्योंकि उससे हमारी आइसोटोप की प्रॉब्लम जनरेट होती है कि सेम एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट मासेस बट वी कांट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। अगर मैं मॉडर्न टेबल की बात करूं, एटॉमिक नंबर के फंडा पे बेस्ड है और दो एलिमेंट के सेम एटॉमिक नंबर कभी भी नहीं हो सकते, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, आइसोटोप प्रॉब्लम को अलग भी बना सकते हो और फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो कि जब हम एटॉमिक नंबर के बेस पे रखेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मेंडलीव की टेबल की बात करें, एनसीईआरटी से 6 पीरियड्स, कुछ हाई बुक्स 7 पीरियड्स भी बोलती है, 7 हॉरिजॉन्टल रो एंड 8 ग्रुप्स, ठीक है, 8 ग्रुप्स। और मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें हमने क्या देखा, 7 पीरियड्स लेकिन 18 ग्रुप्स, 18 वर्टिकल कॉलम। अब इसने क्या किया, सब ग्रुप्स भी बनाए, ग्रुप्स में सब ग्रुप्स भी थे और यहाँ पे कोई सब ग्रुप्स नहीं थे। ठीक है, इसमें पीरियोडिसिटी कैसे देखने को मिली, उसने ऑक्साइड एंड हाइड्राइड बनाए एलिमेंट के एंड जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक साथ रखा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम ग्रुप में रखने का क्या है, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम आएगा, उनको एक साथ एक ही ग्रुप में रखा जाएगा। उसके अलावा मैं और बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और क्या प्रॉब्लम थी, नोबल गैसेस नहीं डिस्कवर हुई थी, उनकी कोई स्पेशल जगह नहीं थी। अब मैं यहां लिख लेती हूँ 5th पॉइंट, नो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, तो उनके लिए कोई ऐसा जगह नहीं थी, यहाँ पे नोबल गैसेस को अलग से ग्रुप मिला हुआ था, न्यू ग्रुप फॉर नोबल गैसेस। या तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है जो आप लिख सकते हो, ये वाली टेबल है जिसने मेटल नॉन मेटल को प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं किया था, नो डिफरेंशिएशन विद मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपरली। बट ये वाली जो मेरी टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें जरूर ऐसा हुआ था कि मेटल लेफ्ट साइड पे थी, राइट साइड पे नॉन मेटल थी, नॉन मेटल राइट साइड पे थी और मेटल लेफ्ट साइड पे थी। ठीक है, आई कुड हैव रिटन ऑन दिस वे आल्सो, मैंने एक ही साइड पे लिख दिया, आप चिंता मत करो, ये शॉर्ट पॉइंट्स है, डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी देख सकते हो। ऑलराइट, तो मुझे बताओ सारा क्लियर हुआ, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से तीनों जो आज कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप प्लान कर रहे हो, देर मत करो, बैचेस शुरू हो रहे हैं, कुछ शुरू होने वाले हैं, तो इनरोल कर लो, एजी प्रो लगाना मत भूलना, बिकॉज दैट विल गिव यू डिस्काउंट एंड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू चूज फ्रॉम 3 प्लान, लाइट, क्लासिक एंड प्लस। लाइट में सारी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, रीप्ले, इंटरैक्टिव वन, जिसमें भी क्विज में, लाइव क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारे नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, डाउट भी सॉल्व होंगी,
बट क्लासिक में एक्स्ट्रा फीचर डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप ऑल्सो। क्लास से पहले, क्लास के बाद, जब भी आप पढ़ रहे हो, आपको डाउट आते हैं तो वो कैसे सॉल्व करोगे उसी टाइम पे डाउट ऐप के थ्रू, जो क्लासिक का फीचर है। और प्लस में डाउट ऐप के साथ साथ यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर टू पूरे साल टू मेक श्योर, या फिर आप मंथली बेसिस पे भी जाते हो जस्ट टू गिव इट अ ट्राई, आप देख सकते हो मेंटर विल ऑलवेज गाइड यू और उसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होंगे। 1 month से लेके पूरा साल के लिए यू कैन प्लान इट। वो ही ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके वो 2 ऑप्शन आ जाएंगे, उस पर क्लिक कर लो कि 1 month के लिए ट्राई करना है या फिर पूरा कोर्स के लिए। और नीचे ऑप्शन होता है अप्लाई कूपन, ऑटोमेटिकली लगा होगा एजी प्रो, नहीं होगा तो देख लेना, ठीक है? तो देखो कौन सा आपको चाहिए, बेनिफिशियल कौन सा होगा, एंड सेलेक्ट इट प्रॉपरली। या एंड अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेस, चाहे आप कोई भी प्लान लेते हो, अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेस, चैप्टर बेस्ड कोर्सेस आपको मिलेंगे विद वेदांतो प्रॉमिस के आपकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट गारंटीड है, वरना कोर्स फीस विल बी बैक इफ यू अटेंड 75% क्लासेस फॉर श्योर। एंड जितने भी आपको असाइंड टेस्ट हैं, असाइनमेंट्स गिवन है, वो भी आप 75% करते ही करते हो। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो आपको करना ही करना चाहिए। तो प्रॉमिस अश्योर्ड। ऑलराइट, चलो फिर विद दैट नोट, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो ये वाला अभी खत्म होता है। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस, वो तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, हास्ता ला वस्ता।